बुखारी शरीफ के मंत्र के अंदर है कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला को उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया कि सरकार थोड़ा सा मुस्कुराए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने देखा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के इस अमल से सरकार मुस्कुराए हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी जिंदगी के मेरे अमाल तू ले ले। इसने जुड़े पर गौर करें और पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर अमाल दिए नहीं जा सकते तो जैसे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ये यश जो किया, ये तजवीज क्यों किया और उम्मत का सबसे बड़ा फकीर बात है अजरे कलाम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद है। सुभान सुभान। वो कहते हैं आगे भी कभी देखा कि किसी ने ठीकरियों पर लाल भेजे हो, वो काम जिससे सरकार खुश हो गए हो वो लालों की कीमत का है और उसके मुकाबले दूसरी केकिया ऐसी जैसे कि ठीकरियां हो तो मैं ठीकरियां लेकर के लाल देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर ये अदीदा का हालत होता तो इधर दुआ में मसूद अदीदा को कहते ऐ उमर फारूक ये सरकार की जिंदगी का होता है, ऐ उमर फारूक अमाल दिए ही नहीं जा सकते तो क्या करूं। उन्होंने ये बताया कि जिसे तुमने कहा है ना दो वो देना सही है, मैं जो कहता हूँ मैं नहीं दूंगा। मतलब अगर देना दुरुस्त हो तो कहते देना दुरुस्त ही नहीं है, कहते दुरुस्त है पर देता नहीं। नरे तकबीर, नरे रिसालत, नरे हैदरी, नरे गौसिया, अजमतो शान मुस्तफा, नवासे रसूल हजूर मुफक्करे इस्लाम। तो इससे जैद के अमल का, जैद के फायदे के बजाय बकर को फायदा पहुंचना, उसके गिफ्ट करने की वजह से, उसके दे देने की वजह से इस हदीस से साफ। आज तक हज बदल वो सारे अंतर पेशे के तौर पर चार साहब तुझे पैसे हजे बदलते एक अगर बताना किसी को मतलब ये अगर बताए तो एक आदमी हजे बदल एक ही कर सकता है। पैसे 50 से लिए हुए हैं, ये उन्होंने एक मुस्तक कारोबार बना लिया है, उधर मना कर दे कि जैद का अमल जैद को ही फायदा दे सकता है बगर को नहीं दे सकता। इधर हजे बदल जब करते तो पूछो ये जैद का अमल बगर को फायदा पहुंचाएगा कि नहीं। इसी पर मौसल्ला ने हजरत इमाम उरीबा के लोगों के मुकाबले में बाजी हारी थी, उनके सामने ये कहते थे सवाब नहीं पहुंचता, सवाब नहीं पहुंचता। एक आदमी अपनी बेटियां अपने आमाल अपने कार है अपनी इबादत किसी दूसरे को नहीं दे सकता, अगर दूसरे को नहीं दे सकता तो यह जब बदल को किसे दे सकता है। ये बदल का देना ये काफी शहादत है कि एक शख्स अपनी बेटियां दूसरे को दे सकता है। तो हज के मौके पर जब साल के बाद लौट के जब आएगा हज बदल की महल चलेगी, उस वक्त वो बेचारे माँ बाप जो मजलूम है जिनको कहते पहुंचता ही नहीं है, जब हज बदल पहुंचता तो बाकी क्यों नहीं पहुंचता। इससे आज सुन्नत वल जमात के समीदे पर वाज रोशनी होती है। इसी तरीके से एक सहाबिया ये भी बुखारी की तरह है, एक सहाबिया ने सरकार से सवाल किया या रसूलल्लाह मेरी माँ हज पर जाना चाहती थी पर नहीं जा सकी, मर गई है, अब अगर मैं उसकी तरफ से हज अदा कर दूँ हो जाएगा। सरकार उसको भी यही जवाब दिया अगर तेरी माँ के तुम्हें को कर्जा होता तू अदा कर दी उसकी तरफ से अदा हो जाता कि ना हो जाता। इस पर हनफियों और शाफियों में एक इख्तलाफ है, वो कहते हैं जो लिसानी इबादत है वो बख्शी जा सकती है, माली इबादत बख्शी जा सकती है, बदनी इबादत नहीं बख्शी जा सकती। इमाम को लिफा फरमाते हैं बताओ जो हज करने के लिए गया बदन उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, जाके इहराम बांधा है उसका बदन इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, आने जाने का किराया जो है वो उसने खर्च किया उसका माल खर्च हुआ कि नहीं हुआ, वहां चलकर के इबादत की है जिन बदनी इबादत की लिसानी इबादत की है माली कुर्बानी करके ये जिस्म की इबादत दुमाल की इबादत और माल की इबादत सारी की है मेरी ये सारी मिल के आज चल रही है ना, तो सारी मिल के अगर बख्शी जा सकती है ये कहना किसने सही है बदनी इबादत। इस सवाल ये है आप साथ में दारुलूम बन रहा है आप दारुलूम में जाके बेचते ही मारते हैं, अब जाहिर है वो बेचते ना आप मजदूरी के लिए मारते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे न ये कि वो गवर्नमेंट में आपको आपको मुआवजा बन जाएगा, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मारते हैं,
वो जिसने फिरते मारे हैं आप अपने बाप दादे को बख्शना दे, वो इबादत है, वो इबादत की है। जिसने उसने पैसे खा चुकी है ये मारी इबादत है, जिसको बख्शेंगे और कोई दूसरा इसको बख्शे या ना बख्शे। मिसाल के तौर पर आप सारा स्वाब कार आयक है एक बुजुर्ग को देते हैं, वो बुजुर्ग इस जवाब से भूल ही जाते हैं, एक विशेष का नाम हो दुआ मांग दी, कोई एक अपना को बख्शा हो, पुराने भाव को बख्शा हो, दादे को बख्शा हो, उसके अंदर क्या कीड़ा रखना चाहिए कि जिसने अपने बाप दादे के लिए दिया है उसके बाप दादे को पहुंचाइए। जिस आदमी ने जो भी नियत किया उसका उसका वो हकदार है, हमेशा उसको रिटायर करने वाला मिस कर जाता है, सवाब उसको पहुंचता है जिसके लिए। तो इसलिए ये बात अश्लीश लगती है कि हर मौसम हज पर हज सुन के अकीदे का एक रिफ्रेशर बहुत बोल होता है, अकायद ताला हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये कहते हो तुम बलियों के पास जाते हो, कब्रों के पास जाते हो, पंटी का ढेर है, हड्डियां जो है वो फरसूदा होकर जरे होकर बिखर गए हैं, तो ऐसी हालत में क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? तो बताओ ऐसी हालत में क्यों जाते हो? उसका जवाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इमाम ने हज के मौका पर है, सुभान अल्लाह, हजरत असद के चूमने की बहस है, असुद को चू ये जो कहते हैं भूसा लिया है तो क्यों लिया है? हजरत अल्लामा बदरुद्दीन अहमी का हुक्मदार है, जिक्र करते हैं कि इब्न तैमिया जिसके सन वफात 728 वो आदमी इसका सख्त मुखालिफ है, का कब्र के इरादे से सफर भी नहीं करना चाहिए और उसको गुस्सा भी नहीं कहना चाहिए। जिस वक्त उसने ये पढ़ा कि हजरत इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत इमाम शाफी का सदका मिल गया, उन्होंने को चूमने के बजाय उनको पानी में डुबोया, अतीत से धोया, जो उसका धोबन है वो लेकर मिल गया। कौन है? हजरत वाली बगदाद शहनशाह ईरान का इमाम है, सिर्फ एक पानी पर मौत कबूल कर ली लेकिन सरेंडर नहीं हुआ, छोटी ये तुम्हारी ख्वाहिशात और तुम्हारी आरज़ुओं का तर्जुमा बनता है, कुरान को मखलूक याद रखे, इंसान को गुनाह बेज़ौक करने की आदत नहीं है, जिस गुनाह में लज़्ज़त ना हो आदमी वो गुनाह नहीं किया करता। बताओ इसमें क्या लज़्ज़त थी कि कुरान मखलूक है? का कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, कलाम की किस्म वही हुआ करती है जो कलाम करने वाले की किस्म हो, क्योंकि ज़ाते बारी ताला अज़ली अब्दी लब जज़ली है, ये उस पर कभी अदब पीता नहीं जिस पर कभी अदब न पीता हो, यानी कभी ये ना कहा जा सके वो नहीं था इसका नाम है अदब, कभी उस पर अदब नहीं पीता उसको कहते अज़ली। अल्लाह खुद अज़ली है, अब्दी उसको कहते जिस पर अदब कभी तारी ना हो सके, पहले अदब उस पर गुजरा की आइंदा अदब तारी ना हो सके, यानी कभी नहीं था ये भी ना कहा जा सके, कभी नहीं होगा ये भी ना कहा जा सके, उसको कहते हैं अजली अबदी। अजली वो हुआ जिसकी इब्तिदा नहीं, अबदी वो हुआ जिसकी इंतहा नहीं, ना इब्तिदा में अदब उस पर गुजरा है ना आइंदा कभी उस पर तारी हो सकेगा। तो जिस सिफत का कलाम करने वाला हो उस सिफत का उसका कलाम होता है, कुरान की ज़ाते परवरदिगार का कलाम है, इसलिए जिसे वो अज़ली अबदी है अल्लाह की सारी सिफतें अज़ली अबदी हैं, कलाम में बारी ताला अल्लाह की सिफत है, ये वो करना क्यों चाहते हैं? इतना एक